नगर संत की मौत के आक्रोशित लोगों ने करा रोड जाम। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में रहने वाले नगर संत रामदास की संदिग्ध परिस्थितियों में गलशही क्षेत्र के मंदिर में मौत हो गई। रामदास के परिजनों ने रामदास की मौत को संदिग्ध बताया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शव का पोस्टमार्टम करवाया है। पोस्टमार्टम के बाद शव को जब घर ले जाया जा रहा था तो हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने कांट रोड के पीली कोठी पर रोड पर जाम लगा दिया और हत्या की आशंका जताते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस ने हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को समझा बुझा कर कार्यवाही का आश्वासन देते हुए रोड को खुलवाया, क्योंकि संत जी का फोन कल शाम से ही नहीं मिल रहा था। संत जी थोड़ी देर बाद सोशल मीडिया पर एक्टिवेट रहते हैं। अब वह कुछ न कुछ डालते रहते हैं, जिससे मामला संदिग्ध लग रहा है। और अभी तक संत रामदास जी के कोई भी फोन नहीं मिला है और उनके पास का सामान भी नहीं है। वहीं एसपी सिटी अमित कुमार आनंद का कहना है कि संत रामदास जी का शव थाना गलशहीद के मंदिर में मिला था, जिसके बाद शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभी यहां पीली कोठी पर कुछ लोगों ने शव को घर ले जाते वक्त रोक दिया था और अपनी मांगों को लेकर कहा था कि हम लोगों ने आश्वासन दिया है कि जो भी पीड़ित परिवार तहरीर देगा उसके आधार पर विधिक कार्यवाही की जाएगी। ये बाबा रामदास जी है, ये नागफनी क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये इनके मृत शरीर की सुबह सूचना आई थी वहाँ पे। मौके पे जो लोगों ने बताया कि ये रात को ये गलशहीद में एक मंदिर में नवरात्रों के लिए रहने के लिए आए थे और सुबह इनका मृत शरीर प्राप्त हुआ। पुलिस को सूचना दी, तुरंत पुलिस ने इनके परिवारजनों को सूचना दी, साथ ही इनका पीएम करा लिया गया है। तो यहाँ पे कुछ जो व्यक्ति थे यहाँ पीली कोठी पे थोड़ी देर के लिए यहाँ पे अपनी बात कहने के लिए यहाँ पे रुके हुए थे और इसमें पुलिस ने उन्हें आश्वासन दिया है कि पीएम करा लिया गया है और जो भी उनकी तहरीर है उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी और जो भी तथ्य इस में निकल के आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी। ये पीएम हाउस के बाद ये अपने जहाँ पे विधिक इनके द्वारा जो करी जानी है अपने संस्कारों के हिसाब से, तो ये रास्ते में थोड़ी देर के लिए यहाँ पीली कोठी पे रुके थे अपने जो इनकी बातें कहने के लिए। तो उसमें फिर पुलिस के द्वारा इनसे वार्ता हुई और इन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी ये तहरीर देंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई पूर्ण करेंगे।